दक्षिण तुरा में 23 अगस्त को उपचुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 27 अगस्त को मतगणना होगी। 30 जुलाई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन भरने की अंतिम तारीख है 6 अगस्त। 7 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वही नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 अगस्त है। विधायक अगाथा संगमा के हाल ही में इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव आवश्यक हो गया है। अगाथा ने अपने भाई तथा मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के लिए रास्ता साफ करते हुए इस्तीफा दिया था। संगमा तुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। एक तरफ जहां विपक्षी कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहीं सत्तारूढ़ एनपीपी अपने घटक दल एमडीए से कोनराड सांगमा को आम उम्मीदवार के तौर पर सहयोग करने की उम्मीद रखती है। To fill the casual vacancy in the state legislative assembly. So, since there was a vacancy on 51 South Tura constituency, and after taking into consideration various factors, the commission has decided to hold by-elections to fill this vacancy as per the following particulars, which are the date of the issue of the gazette notification is 30th 7, 2018. The last date for filing nominations is on 6th of August 2018. Date for scrutiny of nomination has been fixed on the 7th of August. Last date for withdrawal is on 9th of August. Then the date of polls is on the 23rd of August 2018. I repeat, the date of polls is 23rd of August 2018. सिक्किम में 16वां स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018-19 शुरू हो चुका है। कल गैंगटॉक के व्हाइट हॉल में इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस साल पुरुष और महिलाओं की खिलाड़ियों की श्रेणी को सब जूनियर और जूनियर में विभाजित किया गया है। सिक्किम एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है, जिसमें राज्य भर से 100 से अधिक मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। सिक्किम में हम हमेशा सीनियर जूनियर साथ कराते थे, क्योंकि पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने से अभी इस बार हम लोगों ने इसको जूनियर अलग सीनियर अलग किया है, क्योंकि जूनियर सीनियर साथ रखने से टूर्नामेंट में मज़ा नहीं आता है, खेलने वालों को भी मज़ा नहीं आता, देखने वालों को भी मज़ा नहीं आता। इसीलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी भी हम उतना नहीं ला सकते, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। तो इसीलिए हमने इस बार सब जूनियर को अलग, सब जूनियर और जूनियर को अलग, यूथ एंड सीनियर को अलग करने का फैसला किया है और हमने ये शुरू किया है। त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों ने सीमावर्ती हाटों का दौरा किया। अधिकारियों ने तारापुर कमला सागर से अपना दौरा शुरू किया। बांग्लादेश की तरफ से गृह विभाग के अधिकारी अब्दुल सफीक, ब्राह्मणबरिया एसडीएम हसीना इस्लाम, रीजनल कमांडेंट ऑफ बीजेपी सराली जाहिद हसान उपस्थित थे। वहीं भारत की तरफ से पूर्वोत्तर के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव भूपेंद्र सिंह बल्ला और अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सीमावर्ती हाटों को बढ़ाने और सप्ताह में कम से कम 2 दिन लगाने पर विचार किया गया। इसके अलावा हाट में हिल्सा व्यापार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। कुछ स्थानों को भीषण बाढ़ से प्रभावित भी चिन्हित किया गया। खोआई पुलिस थाने के अंतर्गत आमतली गांव में राजकुमार ताती नामक एक शख्स ने दिलीप कौर नामक एक व्यक्ति के सिर पर किसी ठोस वस्तु से हमला कर उसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच किसी बात पर हुई कहासुनी ने यह संगीन रूप ले लिया। घटना की अगली सुबह पुलिस ने दिलीप का शव बरामद किया और हत्याकांड के सिलसिले में राजकुमार को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजकुमार তাতি বলে একজন আমরা মনে করছি সে প্রাইম অ্যাকিউজড এই কেসে, তাকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং তদন্ত এখন চলে যাচ্ছে। शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से उदयपुर एसपी कार्यालय ने लेक सिटी रन का आयोजन किया।
सोमवार की सुबह 5:30 बजे गोमती जिला एसपी कार्यालय से मैराथन दौड़ शुरू हुई। झील के चारों ओर घूमने के बाद दौड़ वापस गोमती जिला एसपी कार्यालय में आकर समाप्त हुई। विधायक विप्लव घोष, उदयपुर के एसडीएम सुभाषिश बनर्जी ने भी मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया।